रक्तचाप की जांच कैसे की जाती है? शरीर के सारे अंगों तक रक्त पहुंचाने के लिए हमारा हृदय रक्त को एक खास दबाव पर पंप करता है और इसी दबाव को रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये समझने के लिए रक्तचाप होता क्या है ये वाला वीडियो देखो। हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त रक्त वाहिनियों में आता है और इनकी दीवारों पर दबाव बनाता है। इसी का उपयोग करके डॉक्टर ब्लड प्रेशर नापते हैं। बीपी नापने की यह मशीन स्फिग्मो मैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। इसे बीपी अपैरेटस भी कहते हैं। नॉब, कफ, रबर ट्यूब, रबर बल्ब, रबर वॉल्व और गेज। इसे ऐसे खोलते हैं। कपड़े से बने इस हिस्से को कफ कहते हैं और इसे ऊपरी बांह पर बांधते हैं। इससे दो रबर ट्यूब्स जुड़ी होती हैं। इनमें से एक ट्यूब आगे जाकर गेज से जुड़ी होती है और दूसरी इस बल्ब से। गेज एक पट्टी होती है जिससे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर कितना है। इसके बीचों बीच एक पतली नली होती है जिसमें मर्क्यूरी यानी पारा ऊपर नीचे जा सकता है। देखो ये नॉब है। ब्लड प्रेशर नापते समय यह हमेशा आड़ी स्थिति में होना चाहिए। रबर बल्ब में स्क्रू जैसा एक वॉल्व होता है। इसे इस तरह घुमाया जाता है। चलो अब देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है। सबसे पहले डॉक्टर मरीज को आराम से बैठने के लिए कहते हैं। मरीज का हाथ ऐसी स्थिति में होना चाहिए और पैर फर्श को छूने चाहिए। बीपी अपैरेटस खोला जाता है। कफ निकालकर उसे मरीज की कोहनी से दो अंगुल ऊपर ऐसे बांधते हैं। फिर सुनिश्चित करते हैं कि कफ बहुत कसा हुआ या बहुत ढीला तो नहीं है। उसके बाद स्टेथोस्कोप अपने कानों पर लगाते हैं। चेस्ट पीस में उंगलियों से आवाज करके पता लगाते हैं कि आवाज ठीक से आ रही है या नहीं। स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को कोहनी के बीच इस प्रकार लगाते हैं। इसकी चिकनी गोल सतह को त्वचा के साथ पूरी तरह से संपर्क में होना चाहिए। दूसरे हाथ से रबर बल्ब का वॉल्व बंद करते हैं और रबर बल्ब को पंप करते हैं। गेज का पारा ऊपर जाने लगता है, साथ ही कफ में भी हवा भर जाती है। इस हवा के दबाव की वजह से रक्त प्रवाह थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। जब पारा 160 या 180 तक पहुंच जाता है तो डॉक्टर रबर बल्ब को पंप करना बंद कर देते हैं। वॉल्व को उल्टी दिशा में घुमाया जाता है। अब हाथ से दबाव कम हो जाता है, पारा धीरे धीरे नीचे आता है। पारा नीचे आते समय रक्त प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है और उसी समय डॉक्टर को स्टेथोस्कोप से धक 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 की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज की शुरुआत होने पर पारा जिस स्तर पर होता है उसे दर्ज कर लेते हैं और इसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहां आवाज 110 पर आना शुरू हुई है। पारा नीचे आते समय यह धक धक आवाज आती रहती है और एक जगह पर बंद हो जाती है। आवाज बंद होने पर पारा जिस स्तर पर होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के रूप में दर्ज करते हैं। यहां पारे के 70 पर पहुंचने पर यह आवाज आनी बंद हो गई है तो वॉल्व को पूरा घुमाया जाता है। डॉक्टर कफ में बची हुई हवा को निकाल देते हैं। स्टेथोस्कोप को कान से निकालते हैं, मरीज के ऊपरी बांह में लगे कफ को हटाते हैं और बीपी अपैरेटस उचित जगह पर रख देते हैं। क्या तुम उस मरीज का ब्लड प्रेशर बता सकते हो जिसे हमने इस उदाहरण में देखा है? वह है 110 सिस्टोलिक और 70 डायस्टोलिक या 110/70 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसे ऐसे लिखा जाता है 110/70 mmHg। mmHg ब्लड प्रेशर को मापने की इकाई है। 110/70 मिलीमीटर ऑफ Hg यह सामान्य ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ज्यादा हो तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं और अगर यह 100/60 mmHg से कम हो
तो इसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है।